और उनकी सरकार ने, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, तो जनता इसका हिसाब मांगेगी और कांग्रेस को जबरदस्त समर्थन के साथ सत्ता में वापसी करेगी। हमारा प्रश्न रह जाता है कि, और चोकर साहब ने पहले ही कहा कि वो आलाकमान का निर्णय होगा, कि किसके नेतृत्व में और कौन चेहरा होगा जिसके नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा चुनावों में उतरेगी। देखिए, मैं जो आप बातें कर रहे हैं, मैं आप पर मेरा ध्यान आकर्षित, आपने मेरा ध्यान आकर्षित हरियाणा और जनता का भी ध्यान आकर्षित हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरफ किया है। 164 वायदों की बात की है। अब मैं कहना चाहूँगा, हरियाणा में देखो, अब जनता, देश के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। हम स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे और वो घिरेगी। डेवलपमेंट की बात देखो, सरकार विकास की तरफ देखो, हमारे विकास को लेकर चलती है सरकार। देखो, सुरक्षा, लैंड ऑर्डर, डेवलपमेंट विकास मेन चीज़ होती है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, तो हरियाणा की बात मैं संभाल का अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूँगा। पूरे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी हमारी यूपी की अध्यक्षता थी, पूरे हरियाणा में 10 साल कांग्रेस का राज रहा। इतने डेवलपमेंट विकास कार्य, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े ब्रिजेस, रोड्स, इतना डेवलपमेंट किया गया। आज इस सरकार ने नाम बदलने के अलावा, इसी संस्था, इसका पुल का नाम ये कर दिया, इस एम्स का नाम फलाना रख दिया, नाम बदलेगी सरकार, नाम बदलना हो नहीं, कहने कुछ नहीं किया। जैसे एम्स का मैं उदाहरण दे देता हूँ, झाड़ली, उसमें मनमोहन सिंह जी ने, भूपेंद्र जी हुडा जी ने, सोनिया गांधी ने, सॉरी, उसका उद्घाटन शिलान्यास किया और बन गया। अब वो जब आप 25-30% बन के शुरू आ गया तो नाम बदल का और कुछ नाम रख दिया उसका। कोई इतने ऐसे उदाहरण हैं, कोई पीजीआई बनाई हो इन्होंने पूरे हरियाणा में, कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई हो गुरुग्राम में, एम्स, कोई थर्मल पावर बनाया हो, अभी किया ना, अब तो चुनाव के लिए सब कोई, हाँ बनवा लो उनसे, चुनाव के समय पर तो सब कुछ कर देंगे। पुलवामा भी सोच, देखो आप देखिए, 5 साल में सच्चाई बात कहना चाहूँगा, जनता जानती भी, अभी नहीं मानी तो जाग भी चुकी है, जाग भी जाएगी। ये बताइए, 5 साल पहले ये जो 5 साल मोदी जी सरकार रही, क्या पाकिस्तान कोई बाहर तला उठ के चला गया था? पाकिस्तान भी ही था, पुलवामा भी ही था, बालाकोट सब यहीं थे, सब बनते जनता बंदे बंदे को पता था। अब ये सरकार चुनाव से एकदम पहले, बुद्धिजी लोग सब कहते थे भाई चुनाव से एकदम पहले ही उन्होंने पंगा करेंगे, उन्हें पंगा कर दिया लोगों का अनुभवन। और राम मंदिर की बात कर लीजिए, ये बीजेपी की पार्टी जो है, राम मंदिर बीजेपी के नाम, राम मंदिर के नाम बीजेपी पार्टी बनी थी, आडवाणी जी ने रथ चलाया था जो, आज राम मंदिर का मुद्दा, वो उद्धव ठाकरे भी कल परसों गए थे, पहले भी संतों ने, मैंने सुना प्रयागराज में कहा था आपकी बार राम मंदिर नहीं तो बीजेपी नहीं, ये वायदा किया था राम मंदिर का ध्यान उठाने के लिए, उधर कर दिया लोगों ने। मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश की थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? कांग्रेस ने किए। जब ये संविधान बना, बीजेपी का नाम निशान भी नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, आज ये जो भी इन्होंने किया हो तो भगवान जाने ये जाने, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा, जनता सब समझ चुकी है, जनता समझदार है, लेकिन जो पाकिस्तान की बात करते हैं देश के लिए, अरे मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाहूँगा, अरे ये कहते हैं उसकी कुर्बानी की बात, ये हमारी कांग्रेस पार्टी को कुछ अपशब्दों से कहना करते हैं। मैं अच्छा नहीं, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहूँगा, मैं सच्ची सही बातें मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन जहाँ तक स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आज तक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इंदिरा गांधी जी को जान देनी पड़ी, देश के प्रधानमंत्री को छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। कांग्रेस ने तो देश के लिए कुर्बानियां की है, उनके सपुत्र स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने वहाँ उग्रवादियों से, वहाँ तमिलनाडु में तक वहाँ उनसे लड़ाइयाँ लड़ी, वो अपनी जान, जिस पार्टी के 2-2 प्रधानमंत्री कुर्बान हो गए, अरे बीजेपी का मुझे एक तो बता दे, कोई प्रधानमंत्री को दे, कोई क्रांतिकारी कोई बता दो मुझे, अब बीजेपी ने देश के लिए वो कुर्बानी की, उस नेता ने कुर्बानी की, हमारे तो 2-2 नेता सबके, बेन सिंह हरे पंजाब के मुख्यमंत्री, यहाँ के खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने, उन्हें जान गुवानी पड़ी। अरे कांग्रेस से देशद्रोही कहते हैं बीजेपी को, सम्मान सोचना चाहिए, कहने से पहले सोचना चाहिए। ये प्रूफ है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस के राज में हुए, इंदिरा गांधी जी ने की,
कि एक प्रधानमंत्री थी, उनको खामियां जब जान गंवानी पड़ी, राजीव गांधी ने जान गंवानी पड़ी, बैंत सिंह ने जान गंवानी पड़ी, अरे इन्होंने क्या किया क्या? जब ये आज कहने चाह रहे हैं देश के बारे में, अरे एक तो बता दो देश हित के लिए, ये जो इन्हें जो ड्रामा ड्रामे की सरकार है, जुमलों की सरकार है, सबको पता था। मैं सच्चाई से कहना चाहता हूँ, मैं आपको, मैं झूठ में विश्वास नहीं करता, मैं बिल्कुल, अगर मैं कोई गलती हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो आज ये सबको पता था हमारे हरियाणा की सरकार में पारदर्शिता है, अब नौकरियों का मुद्दा उठा लिया, अरे हमारी सरकार ने लाखों नौकरी लगाई, आप प्रचार करते हैं, संघ के लोग प्रचार करते हैं, ये है लोगों बकाते हैं बहकाते हैं। आज जो प्रदेश की सरकार, जैसे ये पुलवामा जो है, सबको पता था अब ये कोने कोई पंगा हो गया चुनाव के एंड टाइम पहले। अब पाकिस्तान पहले 5 साल ही पाकिस्तान पहले अटैक क्यों नहीं हुए, पहले लड़ाइयाँ क्यों नहीं हुई, पहले अटैक क्यों नहीं किए गए, क्या पहले हमारे शहीद, हमारे जवान शहीद नहीं हुए, हमारे फौजी नहीं मारे गए पहले, क्या आप चुनाव के 15-2 महीने पहले सब कुछ हुआ, ये पहले भी कर सकते थे। अब 5 साल शांति रहेगी, अब 10 साल फिर चुनाव का फिर देख लेना। ये तो चीज़ें सत्यता जनता जात समय ठीक है, हमारा हिंदुस्तान जनता भावुक है, समझ बाद में समझते हैं।